अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एएम लाइफस्टाइल में आप सबका वेलकम। उम्मीद है कि आप सब बाहिफाजत अपने अपने घरों में खुश होंगे, लेकिन कल से मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं एकदम से इकरार के पास पहुँच जाऊँ, उसकी फैमिली के पास पहुँच जाऊँ, उनको लुक आफ्टर करूँ। और सिर्फ ये मेरे ख्यालात का इजहार है जो मुझे पता है कि सच नहीं हो सकता। और मैंने इकरार की एक और वीडियो देखी है कि जिसमें वो घर जा रहे हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि इतनी सारी चोटों के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, जबकि वो बुरी तरह से और उनकी पूरी टीम भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही है, तो तब भी वो घर चले गए हैं। मुझे नहीं पता कि वो उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। तो इस वक्त एक शेर मुझे याद आ रहा है जो है तो बहुत पुराना, लेकिन हमारे माशरे पे और हमारे ये जो पूरा हमारा जो है यहाँ का निज़ाम है, जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, उस पे ये शेर बड़ा फिट आता है कि आपको चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। और कुछ लोग आए थे, आते ही रहते हैं, लोग तो बदलते ही रहते हैं, 5 साल में 2 साल में इलेक्शंस होते हैं और डिफरेंट किस्म के बहुत सारे होते रहते हैं यहाँ पे चक्करबाजियाँ, और इलेक्शंस होते हैं, मतलब खूब गहमा गहमी रहती है, और फिर उसमें लोग वोट्स लेने आते हैं, बहुत सारी तब्दीलियाँ आने की जो होती हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं आती। और फिर जब ऐसे हमारे हीरोज़ आगे आते हैं कि जो काम, जो इदारे, जैसे आईबी का इदारा हमारा जो है वो बहुत अच्छे अपने फ्राइज़ को अंजाम दे रहा था, तो उसको ही उन्होंने डिस्क्लोज़ करने की कोशिश की है, तो उसमें इकरार का के साथ क्या हुआ है, उनकी टीम के साथ क्या हुआ है। तो मैं तो कहती हूँ कि जल्द अज जल्द, इकरार ने तो कहा कि बहुत सालों बाद जब बच्चे वो तस्वीरें देखेंगे जो उन्होंने बरहना करके मेरी तस्वीरें ली हैं मेरी टीम के लिए, मैं तो कहती हूँ जल्द अज जल्द ही डाल दो इनसे वो तस्वीरें लेके, ताकि पता चले कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं। और इकरार, आपको मैं एक बात कहूँगी बेटा, आपको इस कंट्री में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम आप जैसे हीरो, आप जैसे ब्रेव लोगों को डिजर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं है कि यहाँ का तरीका और उसूल कैसा है, कि हर बंदा अपनी सी जिंदगी गुजार रहा है। आपको क्या पड़ी है अपनी इतनी अच्छी खूबसूरत फैमिली को छोड़ के, आप दिन और रात जाग के इतनी मेहनत करके अपने आप को आपने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल लिया। आपको क्या लगता है कि ये जो है, ये जो हमारा मुआशरा, हमारा निज़ाम सुधर जाएगा, ये कभी नहीं हो सकेगा बेटा, ये कभी पॉसिबल नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा, आप नहीं होगे, हम सब होंगे। वो इसलिए कि हम आवाज़ नहीं उठाते, हम बोलते नहीं, हम कुछ नहीं करते, हम चुप रहते हैं। अगर हम पे जुल्म भी हो, हम पे कोई आफत आ भी जाए, तो हम उसको बर्दाश्त करते हैं। हम आपकी तरह नहीं करते कि हम चले जाते हैं, मुसीबतों में पड़ते हैं और फिर अपनी पसलियां तुड़वा के, अपना शोल्डर डिसलोकेट करा के, अपनी सारी टीम और अपने आप को, खुद को दांव पे लगा देते हैं। हम इस तरह नहीं करते। तो प्लीज़, आपको भी चाहिए, मेरा मशवरा एक माँ के तौर पे आपको, किस मुल्क को छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से, तब भी आपका नाम हीरो की तरह, आप जिंदा तो रहोगे, कम अज़ कम दूर से हम आपको देख सकेंगे, आपके मुतल्लिक स्टोरियाँ छाप सकेंगे, आपकी हर दिन एक नई तस्वीर के साथ आपकी बातें कर सकेंगे। क्योंकि जो इकरार मर जाता है ना यहाँ पे, उसको लोग भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता। अगर आपको खुदा ना खास्ता, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, अगर आपको किसी ने यहाँ मार भी दिया ना, तो लोगों की याददाश्त यहाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई बंदा आपके फुटप्रिंट पे चलना नहीं चाहेगा। तो आप ये ना करो, आप यहाँ से चले जाओ, दूसरे मुल्क चले जाओ, वैसे ही आपको करना चाहिए। अच्छा, और इकरार बहुत ज़रूरी बात है बेटा, मैं आपको अपने बच्चों की तरह, आपकी टीम में मैं और मेरी बेटी भी हैं। जब आपने टीम बनाई थी तो आपने, आपके मैसेजेस आए थे उस टीम में, लेकिन उस टीम में हमें होने का क्या फ़ायदा है कि मैं आपके लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि मुझे नहीं पता आपके ये मेरा मैसेज जो है, या आप सुन भी सकोगे कि नहीं, या आप तक पहुंचेगा भी कि या नहीं। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप इस मुल्क को छोड़ के चले जाओ, मैं आपको जिंदा देखना चाहती हूँ,
ताकि आपकी हर दिन एक अच्छी तस्वीर। तो अब जो आपके हालात हैं, जो आपकी टीम के साथ किया है, तो उसके बाद बाकी तो कुछ भी नहीं बचा। से उनको बल्कि अफसोस हो रहा होगा कि आप जिंदा क्यों, अभी आपकी उम्र नहीं है कि आप अपनी जान तक कितनी जाने गई हैं इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताओ, कितनी जाने जाने के बाद पाकिस्तान बना था, उन जानों का जिक्र कहाँ होता है? मतलब जोश में नाम ले लेते होंगे कभी जरूर, लेकिन कौन उन जैसा बनना चाहता है? एक इकरार और चंद और लोग होंगे, मेरा ख्याल है कुछ 100 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। एक छोटी सी स्टोरी मैं सभी के लिए सुनाऊंगी जो मेरे इस छोटे से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या जो भी ये ब्लॉग है या जो भी इसको कहते हैं। ये मैं इसमें एक बात सुनाती हूँ कि एक बहुत नेक इंसान था, वो कहीं जा रहा था तो उसको एक आवाज आई, आवाज आई जैसे कोई चीख रहा है, दर्द में कोई करा रहा है। तो उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो एक मैनिक था। उसने उस मैनिक को उठाया, अपने हाथ पे रखा, तो उसने कहा कि तुम्हें इतनी चोट लगी, तुमने मुझे आवाज देते, मैं खुदा के बेहद करीब हूँ, खुदा मेरी सुनता है, तुम मुझे आवाज देते तो मैं तुम्हें उठा ना लेता, जैसे अभी तुम्हें मैंने उठा लिया। तो उसने आगे से उनको जवाब दिया मैजिक ने कि आप अगर कोई किसी और से तकलीफ पहुंचे तो मैं खुदा को आवाज देता हूँ, खुदा के बंदों को आवाज देता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला कभी खुद नहीं आता, खुदा कभी खुद नहीं आता, अपने बंदों को ही भेजता है। लेकिन अगर खुदा के बंदों के ही नीचे आ रहा हूं, मैं उनके पाँव के नीचे ही कुचला जा रहा हूं, तो मैं किसको आवाज दूं? तो अगर इस निजाम के वो लोग जिनको बचाने के लिए रखा गया है, जिनको हमारी हिफाजत के लिए रखा गया है, वो ही लोग गिन गिन के नाम ले लेके सामने ला ला के उनको मार रहे हैं, उन पर जुल्म करवा रहे हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, तो आप मुझे बताएं शिकायत किससे करे कोई? कभी नहीं कर सकते आप इस मुल्क में, कोई शिकायत किसी से नहीं कर सकते, क्योंकि मरना इन लोगों को भूला हुआ है। स्पेशली ये जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे हैं, और ये आप सबको पता है, हर बंदे के बच्चे तो बाहर रह रहे हैं, और खुद वो एक टिकट कटवाते हैं और बाहर चले जाते हैं, और हम जैसे कीड़े मकोड़ों को यही रहने दिया जाता है इसी हालात में जिसमें हम हैं। तो इकरार हमें तो यहाँ रहना ही है बेटा, लेकिन आप जैसे जिम को हम खोना नहीं चाहते। आप प्लीज इस मुल्क को छोड़कर, अपने तमाम इनकामों को छोड़कर आप यहाँ से चले जाओ, और अपनी टीम को भी आप बोलो कि अपने पूरी तरह से तौबा कर ले कि जो कोई यहाँ पे करता है वो ही करने दे, ये लोग कभी बदल नहीं सकते। ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है। कितने साल हो गए, कितने मुल्क थे, कितने मुल्क हैं जो हमारे बाद में आज़ाद हुए, उनको देखें और हमारे मुल्क को देखें। खुदा करे कि इस दफ़ा मेरे मुंह से निकली हुई बात झूठ साबित हो और ऐसा ना हो जो मैं कह रही हूँ, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। कहा तो बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ तब्दीलियों के वादे किए जाते हैं, कौन सी तब्दीली? कभी भी नहीं होती इस मुल्क में, कोई सुनने वाला नहीं है, ना दाद ना फरियाद है यहाँ। आप अपनी जवानी और अपने इस जो इमोशंस हैं आपके और आपके अंदर जो कुर्बानी का जज्बा है, इसको कहीं हीरो में और पता नहीं शायद इससे भी ज्यादा में तोला जा सकता है, लेकिन आपकी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। सॉरी, आप प्लीज़ अपनी जान, आप बहुत कीमती हैं, अपनी जान को बचा के रखें। खुदा आपको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत उम्र की दराजी दे और अपने पाक हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।